थाना शौगन क्षेत्र के ग्यासपुर में मंगलवार रात एक युवक ने अपने सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के अनुसार युवक का किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था और दोनों के बीच में अनबन चल रही थी, जिसके तनाव में आने के कारण युवक ने यह आत्मघाती का कदम उठाया। आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र के ग्यासपुरा के रहने वाले 20 वर्षीय विशाल ने प्रेम संबंधों के चलते बीती रात गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बता दें कि मंगलवार रात राहगीरों को सड़क पर एक युवक का शव पड़ा दिखा, जिसे देखते ही लोगों ने 100 नंबर पुलिस को सूचना दी, जिससे मौके पर थाना पुलिस और PRV मौके पर पहुंच गई। मृतक की शिनाख्त ग्यासपुरा निवासी विशाल के रूप में हुई, जिसकी उम्र 20 वर्ष बताई गई। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। जांच करने पर पुलिस को मौके से तमंचा और मृतक के जेब से जिंदा कारतूस भी बरामद हुए थे। कॉल डिटेल्स खंगालने पर पता लगा कि मृतक ने मरने से पहले अपनी बुआ को कॉल किया था और अपनी प्रेमिका से हुई अनबन के बारे में जानकारी दी थी, और वह लगातार यही कह रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है, अब वह जीना नहीं चाहता। बुआ ने उसे बार बार समझाने का प्रयास किया और युवक को ऐसा कोई भी आत्मघाती कदम न उठाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन किसी बात से आहत होकर युवक ने इस वारदात को अंजाम दे ही डाला। देखिए, थाना शाहगंज क्षेत्र में ग्यासपुरा एरिया में एक युवक ने खुद को गोली मार ली थी। सारे एविडेंसेस जो है वो मौके से कलेक्ट किए थे, पंचनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। जो तहरीर उसमें प्राप्त हुए, उसमें 306 IPC का धारा जो है उसमें लिखी गई है। विवेचना अभी चल रही है, साक्ष्य संकलन इसमें किया जाएगा, किन हालात में उसने ऐसा कदम उठाया, सारी चीज़ों का एनालिसिस जब करेंगे तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल डिटेल के आधार मालूम पड़ा कि युवती को उसके प्रेम संबंध थे। देखिए, कुछ डिटेल्स इस तरीके के प्राप्त न हुए कि उसके किसी युवती के साथ जो है वो न प्रेम संबंध थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सारी डिटेल्स का एनालिसिस करके इसमें कार्रवाई अग्रिम जो है वो की जाएगी। साथ ही SV City ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और इस प्रकरण में धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।